हुसैन नाना के पाक कंधों पर सवारी करने वाला हुसैन, अपने बाबा की जुबान से प्यास बुझाने वाला हुसैन, नबी के सजदों में पुष्प पर सवारी करने वाला हुसैन, नबी के सीने पाक पर चढ़कर खेलने वाला हुसैन, कंधों पर हुसैन को बिठाकर मेरे मुस्तफा गली में जा रहे हैं। हजरत उमर मिलके कहते हैं, हुसैन शाहजादे मुबारक हो, सवारी कैसे मिली? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, उमर सवारी को ना देख, सवार देख। कैसे करबला के दिन के लिए ये तैयारी करवाई जा रही थी। हदीस बयान करती है कि शहादत हुसैन मशहूद बिन नबी थी, हुजूर मौजूद थे, हुजूर हाजिर थे। सियासत्ता की हदीस बता रही है, वो खून भी जमा कर रहे थे और वो हुसैन को तसल्ली भी दे रहे थे, आवाज दे रहे थे, बेटा हुसैन आज मेरे कंधों की सवारी की लाज रख लेना, हुसैन मेरी जुबान चूसने की लाज रख लेना। बाबा अली फरमा रहे थे, हुसैन मेरे खून की लाज रख लेना। फातिमतुज़्ज़हरा फरमा रही थी, हुसैन मेरे दूध की लाज रख लेना, कई कदम डगमगा ना जाए। हुसैन खैमा जन है करबला में, गुलशन रिसालत के फूल अंदर हैं, शहजादियां अंदर हैं, पाक बीबियां अंदर हैं, उस फातिमा की बेटियां अंदर हैं, जिसके लिए मैशर का दिन निगाहें झुकाने का ऐलान आएगा। बदबख्त यजीदियों, तुम पहचान नहीं रहे कि किन की बेटियां हैं। आशूरा की रात आ गई है, 10 मुहर्रम से पहली रात है आशूरा की। थके मांदे हुसैन इमाम इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में बयान करते, टेक लगा के थका हुआ हुसैन थोड़ी देर के लिए बैठा, आंख लग गई। इब्ने ज़ियाद और यजीद के लश्करों ने अहले बैत के खेमों पर हमले का फैसला कर लिया। बदबख्त लश्करी खेमा हाय अहले बैत की तरफ बड़े एक शोर हुआ। फातिमतुज़्ज़हरा की शहजादी सैयदा ज़ैनब बाहर आई, देखा शोर कैसा है, रात का अंधेरा है, शबे आशूर है, देखा कि यजीदी और ज़ियादी लश्कर आ रहा है। दौड़ कर गई, भाई हुसैन उठ जाइए, दुश्मनों ने हमले की तैयारी कर ली है। इमाम आरी मुकाम उठ के फरमाते हैं, बहन ज़ैनब हमने भी तैयारी कर ली है। पूछती हैं, भाई हुसैन आपने कौन सी तैयारी कर ली? फरमाया, बहन ज़ैनब अभी नाना जान आए थे, आका अलैह सलाम आए थे, अभी ख्वाब में आग लगी और फरमा रहे थे, बेटा हुसैन हम इंतजार कर रहे हैं तेरे इस्तकबाल का। उधर भी तैयारी हो रही है, इस्तकबाल की तैयारी हो रही है। हुसैन तलवार लेकर उठे, लश्कर पीछे चला गया। सुबह मैदान जंग लग चुका है, हुसैन ने अपने बाबा का अमामा पहना है, हाथ में तलवार है बाबा की, ताजदार कायनात की। शाहजादा हुसैन मुस्तफा के कंधों पे सवारी करने वाला हुसैन, खड़ा है, मनसूबा बंदी सोच रहा है,
गर्द में एक घोड़े पर सवार आके सामने खड़ा होता और आके पूछता है हुसैन क्या मेरी माफी हो सकती। मेरे आका हुसैन ने पूछा तू कौन है? उसने कहा वही हूं जो आपको यहां ले आया इस मुर्दार दुनिया की खातिर, वही हूं। क्या अब भी मेरी माफी हो सकती? आपने फरमाया नाम तो बता तू कौन है। उसने कहा आपका मुजरिम हूं, मुझे हुर कहते। फरमाया मैं नाना से कहूंगा तो दुनिया में भी आजाद और आखिरत में भी आजाद कर दिया जाएगा, नीचे आ जा। उसने तौबा कर ली। फरमाया नीचे आ जा। और ने जवाब दिया हुसैन जिंदा नीचे नहीं आऊंगा, अब लाश मेरी आपके कदमों में आएगी। और हुसैन का ये हुर शहीद हो गया। यके बाद दीगरे शहजादे अहले बैत के अकरबा, पहले असहाब खुदाम जाते रहे, शहादतें होती रही, एक एक की लाशें हुसैन उठाते रहे, खेमों के पास बिछाते रहे। फिर जब सारे रुखसत हो चुके तो खेमे से एक खूबसूरत जवान निकलता है, वो शबीह मुस्तफा है। हसन आदि शबीह मुस्तफा थे, हुसैन भी आदि शबीह मुस्तफा थे, हसन सर से सीने तक मुस्तफा की शबीह थे, हुसैन सीने से कदमों तक मुस्तफा की शबीह थे। और ये एक जवान निकला है चांद की तरह मुखड़ा, ये सर से पांव तक मुस्तफा की शबीह है। ये कौन है? ये अली अकबर है। अर्ज करते हैं बाबा जान अब सारे शहीद हो चुके, अब दुआ दे के मुझे रुखसत करें और इजाजत दें। इमाम हुसैन दुआओं के साथ अली अकबर को रुखसत करते और खुद आगे बढ़ के देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा अली अकबर कितनी जवान मर्दी के साथ यजीदी लश्कर पर हमला करता है और किस शजाअत का मुजाहरा करता है। मगर यकायक अली अकबर गर्द में गुम हो जाता। हुसैन देखना चाहते हैं कि जवान बेटे की लड़ाई का रंग देखूं, मंजर देखूं, मगर नजर नहीं आते। बस इतना पता चलता है कि जिस तरफ यजीदी लश्कर भेड़ बकरियों की तरह भागता नजर आए, हुसैन समझता है कि अली अकबर उसी सिमत उनके पीछे जा रहा है। ये मंजर देखते रहे। अचानक थोड़ी देर गुजरी कि घोड़ा दौड़ा कि अली अकबर वापस आया। पूछा बेटा अली अकबर वापस क्यों आ गए? अर्ज किया अब्बा जान प्यास बहुत लगी है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो ताजा दम होकर इन बदबख्तों को फिर मैं जाके सबक दिखाऊं। मेरे हुसैन ने, मेरे आका हुसैन ने अली अकबर को सीने से लगा लिया। फरमाया बेटा पानी तो नहीं है, मुंह खोल। अली अकबर ने मुंह खोला, हुसैन ने अपनी सूखी हुई जुबान अली अकबर के मुंह में डाल दी। फरमाया बेटा अली अकबर इसी को चूस ले, इसी को चूस ले, मेरे बाबा भी इसी तरह अपनी जुबान मुझको चूसाते थे, मैं भी बाबा की जुबान नाना की जुबान इसी तरह चूसता था। शायद इसीलिए चूसाते थे कि आज के दिन आपको जुबान चूसानी थी, इसी का रस मुंह में घोल ले। अली अकबर को फिर ताजा हिम्मत मिल गई, मैदान में गए। कुछ लम्हे गुजरे तो आवाज बुलंद हुई, या आबादा अब्बा जान। सैयदा जैनब कहती हैं भाई हुसैन
अली अकबर की आवाज है। हुसैन दौड़ के पहुंचते हैं, वो जमीन पर हैं, नेजा उनके सीने में पैवस्त हो चुका है। हुसैन ने अली अकबर को गोद में ले लिया, पूछा बेटा ज्यादा तकलीफ है? आज ये अब्बा जान ये सीने का फल निकाल लें तो मैं फिर लड़ूंगा। हुसैन ने फल नेजे का निकाला, खून का फवारा निकला, रूह कफ़स उनसरी से परवास हो गई। अली अकबर जन्नतुल मावा में जा पहुंचे। अली अकबर की लाश उठाकर हुसैन वापस आए। इब्ने असाकिर बयान करते कि जब इमाम हुसैन करबला में पहुंचे और अली अकबर को लेने गए थे, उम्र 56 बरस 5 माह और कुछ दिन थी, 56.5 बरस उम्र मुबारक थी, सर और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न था। जब अली अकबर की लाश को उठाकर खेमे में पहुंचे तो हजरत सकीना कहती है फूफो जान सैयदा ज़ैनब को बाबा बूढ़े हो गए, बाबा बूढ़े हो गए। जवान कासिम रवाना होते, हुस्न का पैकर है कड़ियल जवान, उनका वक्त शहादत आता है। हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन की लाश भी उठाई। इमाम इब्ने कसीर बयान करते हैं इतने बड़े कड़ियल जवान है कि हुसैन निढाल जिस्म से जब हजरत कासिम को उठा के ला रहे थे तो उनके पांव जमीन पर घसीटते आ रहे थे। लाकर अली अकबर के साथ बिछा दिया, अंदर खेमों में गए, सबको सलाम किया, नसीहत की, तलकीन की। बहन सैयदा ज़ैनब को कहा अब लुटा बुटा काफिला ध्यान से ले जाना और मेरी कामयाबी की दुआ कर दे मेरी बहन। वो बाहर आई, हुसैन घोड़े पे सवार हो गए। अब हुसैन को रकाब में पांव रखवाने वाला भी कोई नहीं बचा था। बहन सैयदा ज़ैनब ने रकाब में पांव रखवाए, दुआएं दी। इमामे आली मुकाम ने घोड़े की लगाम खींची के आगे चले, घोड़ा नहीं चलता, फिर लगाम खींची जोर से कि आगे चल, घोड़ा सर नीचे करता है आगे नहीं चलता। तीसरी बार फिर लगाम खींची, घोड़ा चलता क्यों नहीं, वो सर नीचे करता है। हुसैन समझ गए, उतर के नीचे जो आके देखा कि छोटी सकीना घोड़े की टांगों पे लिपट के खड़ी है, टांगों से लिपट के खड़ी रो रही है और कह रही है घोड़े मेरे बाबा को न ले जा, मेरे बाबा को न ले जा, मुझे बाबा रात को अपने सीने पे लिटा के सुलाते हैं, जो गया है वापस नहीं आया, मैं किसके सीने पे लेटूंगी, मैं किसके सीने पे लेटूंगी। हुसैन ने सैयदा सकीना को उठा लिया, फरमाया बेटा बस जितने दिन सीने पे लेटने थे वो बीत चुके हैं, तुझे फूफो के सपोर्ट करता हूं। सैयदा ज़ैनब की गोद में रखा, हुसैन रवाना हो गए और फिर वक्त शहादत आया, आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिक राजियतन मर्दिया। ए रूहे हुसैन तू कामयाब हो गया, तुझ पर बंदगी को फख्र है, तुझ पर इंसानियत को फख्र है, तुझ पर विराट को फख्र है, तुझ पर बुजुर्गी को फख्र है, तुझ पर फातिमा को फख्र है, अली मुर्तजा को फख्र है, मोहम्मद मुस्तफा को फख्र है और तेरी बंदगी पर खुद खुदा को फख्र है। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।